राजा दुष्यंत बहुत ही बड़े योद्धा थे। उन्हें अपने राज्य में अक्सर रेस करवाने का बहुत शौक था। उनके पास कई तरह के जानवर थे। हर किसी जानवर की वो हमेशा प्रतियोगिता रखते रहते थे और इसका प्रदर्शन देखने के लिए कई लोग वहाँ पर आते थे। एक दिन राजा की बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप इतने सारे हमारे जानवरों की प्रतियोगिता रखते हैं, रेस करवाते हैं, बहुत मजा आता है, लेकिन हमेशा जानवरों से ही क्यों? क्या इंसान जानवरों से कम शक्तिशाली है? राजा अपनी बेटी की बात पर विचार करता है और अपने राज्य में एक ऐलान करता है, जो कोई भी राजा के पसंदीदा घोड़े चेतक के साथ रेस लगाएगा और जीत जाएगा, राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। ये बात पिंटू को पता लगती है। पिंटू एक गरीब घर का लड़का था। गरीबी के कारण उसकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। पिंटू ने सोचा कि वो किसी भी तरह से घोड़े से रेस लगाएगा और जीत का पैसा मिलने पर अपनी माँ का इलाज कराएगा। राजा के पास पिंटू पहुँच जाता है। राजा पिंटू की बात सुनता है और उसकी घोड़े के साथ रेस लगवाता है। घोड़े के साथ रेस लगाने के बाद पिंटू प्रथम आ जाता है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। राजा पिंटू को अपने पास बुलाता है और कहता है, हाँ बड़े अच्छे घर के लगते हो, खूब खुराक खाई है तुमने, लगता है तुम्हारी माँ दिन रात तुम्हें बादाम पिस्ता और दूध खाने को देती है, तभी इतने ताकतवर हो कि मेरे तुमने घोड़े को ही हरा दिया। वाह, अब जाओ यहाँ से, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, ये सब तुम्हारी ताकत का कारण है और कुछ नहीं। ये बात सुनते ही राजा की बेटी को बहुत दुख पहुँचता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही राजमहल के बीचों बीच पिंटू गिर जाता है। सभी लोग उसका ख्याल रखते हैं। राजा की बेटी भी उसका ख्याल रखती है। क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? तभी महामंत्री राजा के सामने आता है और कहता है, महाराज माफ कीजिए मगर आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। इस बेचारे की माँ तो बहुत बीमार है, ये बहुत गरीब घर का लड़का है महाराज, इसकी पढ़ाई भी गरीबी के कारण पूरी नहीं हो सकी, ये अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता है, इसके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए इसने ये प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, महाराज इसके साथ ऐसा व्यवहार ना करे। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। राजा पिंटू की पूरी मदद करता है, उसकी माँ का इलाज करवाता है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि वो लड़का अपनी माँ से इतना प्यार करता है कि घोड़े से ज्यादा तेज भाग निकला वो उसकी बेटी का कितना ख्याल रखे।